की तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, ये बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है हरियाणा के लिए। और यहाँ पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी नजर आ रहे हैं। ये तमाम नेता हाथ बदलेगा हालात, ये नारा कांग्रेस का, और हरियाणा कांग्रेस के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वागत करें, आवाज तेज करें, आवाज कम है। हेलो। कांग्रेस की तरफ से अनुरोध करूंगा उदय भान जी से हरियाणा के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया करें, और साथ में यहाँ पर सात गारंटीज के बारे में आप सब लोगों के बीच में विवरण दें। उदय भान जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे एआईसीसी के ट्रेजरर आदरणीय श्री अजीत माकन जी, हमारे बहुत ही ट्रेजरर श्री अजय माकन जी, बोला मैंने श्री अजय माकन जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन में रहे आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, पंजाब से हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के जो बहुत हमारे एआईसीसी की तरफ से जिन्होंने जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, आदरणीय श्री टीएस सिंह देव जी, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी, जिन्होंने बहुत ही लंबे समय तक पूरे देश भर के सभी मैनिफेस्टो की चर्चा करके न्याय चौपाले लगा करके मैनिफेस्टो कमेटी की सब कमेटियों बना करके और सब लोगों का एक खुले रूप से बक्सा रख करके उनके सुझाव लेकर के बहुत लंबी समय लगा के मेहनत की उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी के लिए। उसमें से अभी जो आज हम जो गारंटी हैं, सात गारंटी, सात जो वायदे हैं, आज उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जब शासन था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खेल में, कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रति व्यक्ति आमदनी, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर एक पर था, जो पिछले 10 सालों में अब कहीं 14वें नंबर पर, कहीं 15वें पर, कहीं 17वें नंबर पर है। इन सारे बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को फिर से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, उद्योग, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा में नंबर एक बनाएगी, कांग्रेस ने संकल्प लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के लोगों ने भाजपा को करारा जवाब देकर एक जनहितैषी पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा 10 वर्षों तक सताए हुए हर वर्ग के लिए एक गारंटी है, जिसे कांग्रेस पूरा करने का वायदा करती है। नंबर एक, कांग्रेस के हरियाणा से सात वायदे, पक्के इरादे। महिलाओं को शक्ति, बीजेपी के शासन में हरियाणा देश में अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और डकैती में नंबर एक,
बलात्कार में नंबर दो और हत्याओं में नंबर तीन पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक एवरेज 4 से 5 मर्डर प्रतिदिन, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% स्लोअर कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं इस शासन में। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह देगी, जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है, 2000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को सशक्त, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देगी। बीजेपी के शासन में सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये तक पहुंच गई और पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया। महिलाओं के कष्टों को कम करने और महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए हम सभी महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। बी, सामाजिक सुरक्षा को बल। बीजेपी ने और जेजेपी ने बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन देने का वायदा किया था, लेकिन वह इस वायदे को पूरा नहीं कर सके। लोगों की कठिनाई को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े, कांग्रेस बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपये पेंशन देगी। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। सी, युवाओं को सुरक्षित भविष्य। हरियाणा की बेरोजगारी दर 37% तक पहुंच गई है, फिर भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी पद जो सैंक्शन है वो खाली रहे और उन्होंने इन पदों को नहीं भरा। युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम 2 लाख खाली सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरेंगे। हरियाणा ने पंजाब को नशे से हुई मौतों में पीछे छोड़ दिया है। राज्य में 15 लाख लोग नशे की लत से प्रभावित हैं। कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। डी, हर परिवार को खुशहाली। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में गरीबों को आयुष्मान योजना के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है। बीमारी के कारण स्वास्थ्य के खर्च का बोझ कम करने के लिए कांग्रेस राजस्थान सरकार की जो माननीय अशोक गहलोत जी की योजना थी, चिरंजीवी योजना, उसके उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप कांग्रेस 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। महंगाई और बढ़ते बिजली के दामों से राहत देने के लिए हर घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। गरीबों को छत। हरियाणा में 14 लाख परिवारों के पास पक्का घर नहीं है। दलित बस्तियों की दयनीय स्थिति के बावजूद भाजपा ने कांग्रेस की योजना को बंद कर दिया, जिसमें गरीब एससी और बीसी परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाते थे। गरीबों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए, इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी वो झज्जर गई थी और उनके अनुरूप सभी गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना बनी थी और उसमें 3,92,000 प्लॉट दे दिए गए थे, 7 लाख प्लॉट देने थे, बाकी जो प्लॉट 100-100 गज के प्लॉट और उन पर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान हम गरीबों को बनाने का, देने का काम करेंगे। एफ, किसानों को समृद्धि। भाजपा कार्यकाल में पुलिस ने एमएसपी की मांग करने वाले किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ने किसानों की जिंदगी को दयनीय बना दिया है। फसलों पर एमएसपी तो दूर की बात, किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी।
देश के अन्नदाताओं को तत्काल फसल मुआवजा प्रदान किया जाएगा ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। जी, पिछड़ों को अधिकार। बीजेपी ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दी थी। कांग्रेस की सरकार में 8 लाख थी क्रीमी लेयर, वो इन्होंने 6 लाख कर दी, जिससे बहुत से वंचित रह गए एडमिशन में भी और सर्विसेज में भी। एच के आर एन के माध्यम से पिछड़ी जातियों को दबाने और उनको अधिकारों से वंचित रखने के लिए आरक्षण को खत्म किया गया। एच के आर एन में कोई आरक्षण नहीं है, कोई भी मेरिट नहीं है। ये कहते हैं 1.25 लाख से ज्यादा लगा दिए, लेकिन उसमें पूरी तरह से संविधान के विरोध में और इस तरह की बातें हुई हैं। संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने और पिछड़ी जातियों को उनका उचित हिस्सा मिले यह सुनिश्चित करने के लिए जाति सर्वे कराया जाएगा। क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। संकल्प पत्र अभियान के बारे में, मैं कांग्रेस घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी घर घर अभियान चलाएगी, जिसे सभी वर्गों की समस्याओं को केंद्र में रखकर बनाया गया है। कांग्रेस के 7 वायदे पक्के इरादे हरियाणा के कोने कोने तक जाएंगे। नुह से यमुनानगर और सिरसा से करनाल तक दलित और पिछड़ा वर्ग की विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएंगी, जो कांग्रेस के हर वर्ग को सम्मान देने का प्रमाण है। हरियाणा में बदलाव की लहर है, हर एक हरियाणवी ने भाजपा के शासन को नकार कांग्रेस को समर्थन देने की ठान ली है। 7 वादे पक्के इरादे बस एक शुरुआत है। ये 7 वादे सिर्फ शुरुआत है और हरियाणा के विकास के लिए कांग्रेस का विजन है।